इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब, कहा ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त ना किया जाए। जम्मू कश्मीर का मसला हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। कश्मीर से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। और वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में साइड लाइन मुलाकातें, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनस से मुलाकात। डॉक्टर यूनस ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गले मिले। बांग्लादेश के अक़वाम मुत्तहदा के रुकनियत के 50 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा अंतोनियो गुतेरस से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म अंतोनियो गुतेरस ने आलमी अमन में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत के वली अहद और तुर्क सदर से भी मुलाकात। दोतरफा इलाकाई आलमी अमूर पर ताबन बढ़ाने का अयादा किया। पाकिस्तान की मैशत के लिए बड़ी खुशखबरी, IMF ने $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त जारी करने की भी मंजूरी दी। पहली किस्त 30 सितंबर से पहले मिल जाएगी। IMF से पाकिस्तान को 3 साल में $7 अरब मिलेंगे। 2024 के अख्ताम से पहले पाकिस्तान को कर्जे की दूसरी किस्त भी जारी होगी। माहरीन मईशत कहते हैं IMF बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म हो गया। $7 अरब के लिए IMF और पाकिस्तान के दरमियान जुलाई में मुआहदा हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज मंजूरी पर इजहार इत्मीनान, कहा मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। यूं ही मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी हुकूमती मुआशी टीम और आर्मी चीफ की कोशिशों को भी सराहा। IMF पैकेज में मुआवनत करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलखसूस सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का कहना था कारोबारी सरगर्मियों, सरमाकारी में इजाफा खुशाइंद है। तरसीलात में इजाफे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। Your Prime Minister laid out a very clear set of ideas of what he wants to prioritize on. He used the words that he wants to prioritize things that help his people. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के ग्रुप सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात पाकिस्तान के लिए सूदमंद करार दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहबाज शरीफ की तारीफ की, कहा आपके वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम की तरजीहात को मद्देनजर रखा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की तरक्की का मुआविन है। पाकिस्तान में होने वाली इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तारीफ। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार का इंतखाबात के ढोंग का दूसरा मरहला, वादी को भारतीय फोर्सेज ने छावनी बनाए रखा। हर तरफ खौफ हिरास, मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए वादी में 10 लाख भारतीय फौजी तैनात। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने इंतखाबात का बायकॉट किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। कश्मीर का दरीना मसला सिर्फ UN करारदादों के मुताबिक हल किया जाएगा। खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान ही मसला कश्मीर के मुंसिफाना हल की जमानत है। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा आईनी अदालतें बना लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट अवाम के केस हल करे। जज भी मेरिट की बुनियाद पर लगने चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पार्लियामान की कमेटी अवामी समात में जजेस की मंजूरी दे। के जजेस की जानिब से वजाहती हुक्मनामे के मामले पर रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लिखा वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दरख्वास्तों के लिए फरीकैन को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरख्वास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस ने ना बैठे। फैसला अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी थी। दोनों ने कानूनी टीम की तजावीज़ से अदम इत्तफाक किया। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन मामले पर इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम रहा। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुशावरत करेगा।